हेलो बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ मधुर मधुर मेरे दीपक जल पढ़ाने जा रही हूँ और इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तो अभी मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, उनका कुछ जीवन परिचय जानना आवश्यक है। तो जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद में हुई। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनका विशिष्ट स्थान है, उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि मीरा के जैसे भक्ति भावना, प्रेम और समर्पण उनकी रचनाओं में मिलता है। जैसा कि मीरा की कविताओं में प्रेम, समर्पण और भक्ति की भावना से भरा हुआ ओतप्रोत उनकी कविता है, उसी तरह महादेवी वर्मा के भी कविता में इसी तरह का भाव देखा जाता है। इनका समस्त काव्य वेदनामय है, मतलब दुख से भरा हुआ है। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं में भी समृद्ध किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की, मतलब विवाह के बाद कुछ दिन पढ़ाई उनका रुक गया था, लेकिन फिर से शुरुआत की। मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, लेकिन उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए गांधी जी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हो गया, अर्थात निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया। कुल 8 वर्ष की उम्र में बारहमासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ निहार, रश्मि, निर्जा, मंदगीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। चित्रकला में भी उनकी बहुत अधिक रुचि थी। उनके बनाए गए चित्र उनके कई कृतियों में प्रयोग किए गए हैं। महादेवी वर्मा की प्रस्तुत कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल में उनकी अपनी अनुभूति और चिंतन का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। दीपक को वह एक परोपकार, वेदना और त्याग की भावनाओं का प्रतीक मानती हैं। वह इसके द्वारा कहना चाहती हैं कि वह अपने जीवन के कनकन को दीपक की लौ की भांति जलाकर अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर के पथ को प्रकाशित करना चाहती हैं। तो अभी हम आप लोगों को पाठ प्रवेश, जो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में महादेवी वर्मा इस कविता के माध्यम से मनुष्य को क्या समझाने का प्रयत्न किया है, यह मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो पाठ प्रवेश जानना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि पाठ प्रवेश में ही कविता का कुछ भाव समझ में आ जाता है कि आगे कवित्री क्या कहने वाली हैं, किस ओर हम लोगों को प्रेरित करना चाहती हैं। तो अभी पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। औरों से बतियाना, औरों को समझाना, मतलब हम सब दूसरे रिश्तों से बातचीत करते हैं, समझाते हैं दूसरे को, कोई कष्ट होता है, दुख होता है या कोई परेशानियां आती है तो उसे हम समझाते हैं। औरों को राह सुझाना तो सब करते ही हैं, कोई सरलता से कर लेता है, कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर, अर्थात सभी तो इस कला में निपुण नहीं होते हैं। कोई थोड़ी झिझक संकोच के बाद तो कोई किसी तीसरे की आर लेकर, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कठिन और ज़्यादा परिश्रम का साधन, श्रम साध्य मतलब परिश्रम का साधन होता है अपने आप को समझाना, हौसला देना, कठिन परिस्थितियों से अपने आप को उबारना, अपने आप से बतियाना, अपने आप को सही राह पर बनाए रखने के लिए तैयार करना, अपने आप को आगाह करना मतलब सावधान करना, सचेत करना और सदा चैतन्य मतलब जागृत करना, यह बहुत ही जरूरी है। प्रस्तुत पाठ में कवित्री अपने आप से जो
अपेक्षाएं मतलब उम्मीदें करती हैं, यदि वे पूरी हो जाएं तो न सिर्फ उसका अपना बल्कि हम सभी का कितना भला हो सकता है। चूँकि अलग अलग शरीरधारी होते हुए भी हम हैं तो प्रकृति की मनुष्य नामक एक ही निर्मित मतलब हम लोग ईश्वर के एक संतान हैं, सभी ईश्वर सभी में ईश्वर का वास है। शरीर और मन से अलग होते हुए भी हम सब की एक ही परेशानियां है, सबको एक ही समस्या है कि ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है। तो इसमें हम आप लोगों को, इससे पहले भी हम आप लोगों को कबीर की शाखी, मीरा के पद, बिहारी के दोहे, मैथिली शरण गुप्त का मनुष्यता चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। अभी हम सारा क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के सुविधा के लिए बनाने के लिए सोच रहे हैं और उसको बनाएंगे। और अभी हम आप लोगों को मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता पढ़ाने जा रहे हैं। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं कि हे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे मेरे आत्मा रूपी दीपक, तुम मधुर मधुर जलो, धीरे धीरे जलो, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण जलते रहो और प्रियतम के पथ को आलोकित करते रहो। कहने का मतलब यह है कि कवित्री कहना चाह रही हैं कि अपने आत्मा रूपी दीपक को कवित्री कहती हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, तुम मधुर मधुर धीरे धीरे जलो, युग युग जलो, प्रतिपल प्रतिक्षण जलते रहो और प्रियतम का पथ आलोकित करो। यानी प्रियतम जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमसे मिलने के लिए आएंगे, तो उनका पथ जो है आलोकित रहे, प्रकाशित रहे। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्यार होता है, छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो ईश्वर मिलना इतना संभव नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत तरह का प्रयत्न करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने जीवन को गलाना, मोम के तरह गलाना पड़ता है। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा आगे कहती है कि तुम इस तरह मोम के तरह घुल जाओ, जिस तरह मोम जो होता है वह घुल जाता है, और तुम धूप बन जाओ, जिस तरह धूप और अगरबत्ती के सुगंध से वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब अगरबत्ती और धूप का सुगंध पूजा और पाठ के समय जब जलता है तो इतना अच्छा खुशबू आता है कि पूरा वातावरण जो है ऐसा लगता है कि वह निर्मल हो गया, मन स्वच्छ हो जाता है, ईश्वर के प्रति एक प्रेम की आस्था जग जाती है। उसी तरह कवित्री कहती हैं कि तुम धूप बन जाओ, धूप के तरह मतलब अगरबत्ती धूप में जो खुशबू होता है वैसा खुशबू तुम अपने अंदर लाओ, तुम अपने अंदर ऐसा निर्मल विचार लाओ, तुम ऐसा सत्य कार्य करो, सत्कर्म करो, दूसरे का भलाई करो, दूसरे का हित करो, जो तुम्हारा यह सत्कर्म से पूरा विश्व जो है आनंदित हो, सबका कल्याण हो और सबके जीवन जो है सबका जीवन उस आनंद से भर जाए। इसीलिए आगे कवित्री कहती हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन और जितने भी इस पृथ्वी पर जो है ठंडे नए जो जो इस पथ पर नए हैं, नए नए प्रवेश किए हैं, उसको जो ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है उसको भी तुम जगाओ। और आगे कह रही हैं कि विश्व सलभ सिर धुनकर कहता है न जल पाया तुझ में मिल। और जिस तरह फतिंगा होता है, पतंगा होता है, वह देखिएगा कि वह किस तरह रोशनी में जल जल करके उसमें अपने आप को उसमें विलीन कर लेता है, भस्म कर लेता है। उसी तरह कवित्री कहती हैं कि तुम इस तरह बन जाओ, अपने आप को ईश्वर के प्यार में उस तरह से ढाल लो, अपने आप को ईश्वर के लिए जिस तरह पतंगा होता है, एक तरह का कीड़ा होता है जो रोशनी के ऊपर, वह जानता है कि उसमें जाने के बाद हम जल जाएंगे, लेकिन उसको उस रोशनी से इतना प्यार होता है कि वह अपने आप को उस रोशनी में जो है
अपने आप को गला देता है, भस्म कर देता है, जला देता है। उसी तरह कवित्री कहना चाहती हैं कि यह जो शरीर मिला है उस शरीर को, अपने आप को इस तरह से उस प्रभु की प्राप्ति के लिए लगा दो जिस तरह एक पतंगा अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है, उसी तरह तुम अपने आप को ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगा दो। तो अभी मैं आप लोगों को मधुर मधुर मेरे दीपक जल का जो है कुछ उसका अर्थ समझा देते हैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और यह एक प्रार्थना गीत है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रियतम मतलब ईश्वर, पथ मतलब रास्ता, प्रतिपल मतलब प्रतिक्षण, आलोकित मतलब प्रकाशित करो। कवित्री महादेवी वर्मा को ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है और अपने प्रेम और विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहती है। इस पंक्ति में कवित्री दीपक को परोपकार वेदना और भावनाओं का प्रतीक मानती हैं। महादेवी वर्मा स्वयं को दीपक के रूप में मानते हुए कहती हैं कि हे मेरे आत्मा रूपी दीपक, तुम मधुरता के साथ युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल जलते रहो और ऐसा प्रकाश फैलाओ ताकि जो प्रभु तुमसे मिलने आएंगे उनका रास्ता प्रकाश से जगमगा जाए और उन्हें आने में, तुमसे मिलने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। प्रियतम यानी ईश्वर का रास्ता प्रकाशित हो, यानी वे आत्मा रूपी दीपक से कहती हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, तुम अपने आप को ईश्वर के चरणारविंद में अर्पित करो। विश्वास और श्रद्धा का ऐसा दीपक जलाओ, अपने आप को उनके चरणारविंद में इस तरह से न्योछावर कर दो जिससे ईश्वर का तुम तक पहुंच ईश्वर तुम तक पहुंच सके और उनका आसानी से तुम्हें दर्शन हो सके। क्योंकि कवित्री यह जानती हैं कि जब तक हृदय में दीपक नहीं जलेगा, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी, तब तक कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि ईश्वर को पाना बहुत ही कठिन काम है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन को निर्मल स्वच्छ बनाना पड़ता है, अहर्निश प्रभु की याद अपने हृदय में जगानी पड़ती है, प्रतिपल उनकी याद अपने हृदय में लाना पड़ता है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि हे मेरे आत्मा रूपी दीपक, तुम प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिदिन जलते रहो, हमेशा जलते रहो, अहर्निश जलते रहो और तुम्हारी जो यह आस्था रूपी दीपक का लौ है वह कभी बुझने ना पाए, यानी तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर के लिए प्रेम की भावना है वह हमेशा बना रहे। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर के प्रति जो कवित्री के मन में आस्था और विश्वास है वह कभी टूटने ना पाए, उनका विश्वास रूपी दीपक सदा युगों युगों तक जलती रहे, ऐसा वे ईश्वर से कामना करती हैं। वे हर प्रकार के कष्ट सहकर भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। कवित्री महादेवी वर्मा अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणारविंद में अर्पित कर चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय में ईश्वर के लिए एक तरफ सी है, हमेशा उस याद को अपने मन में बसाए रखना चाहती है। अर्थ यह है कि जब कोई भक्त अपने इष्ट का दर्शन चाहते हैं, अपने ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, तो उसे अपने हृदय को सारे विकारों से ऊपर उठाकर, काम क्रोध लोभ मोह जो भी उसके अंदर विकार है उस सारे विकारों को नष्ट करना पड़ता है। जब मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास आ जाता है, तभी ईश्वर का दर्शन होता है। इसलिए हमेशा प्रभु की प्राप्ति के लिए मन में एक लगन होना चाहिए, एक छटपटाहट होना चाहिए, एक बेचैनी सी होना चाहिए, ताकि ईश्वर को यह समझ जाए कि
समझ में आ जाए कि वह भक्त मेरा कितना प्यारा भक्त है। आगे है कवित्री कह रही हैं, सौरव फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इसमें कुछ कठिन वर्ड है, जैसे सौरभ का मतलब हुआ सुगंध, विपुल का मतलब हुआ विस्तार बहुत ज़्यादा, धूप का मतलब हुआ धूप अगरबत्ती जो हम लोग दिखाते हैं सुगंधित, मृदुल का मतलब कोमल, मोम सा मतलब मोम के जैसा, मृदु मतलब मृदु तन मतलब कोमल शरीर, अपरिमित मतलब असीमित अपार, गलगल गलगल का मतलब है गलना पिघलना, पुलक 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 का यहाँ अर्थ है प्रसन्न होकर। तो कवित्री कहती हैं, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धुल घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कवित्री महादेवी वर्मा अपने तन की ओर देखती है और कहती है कि ओ मेरे कोमल तन, तुम बहुत विशाल धूप बन जा, जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर समस्त विश्व को अपने मनमोहक सुगंध से भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी विशाल बहुत ज़्यादा विस्तृत धूप बनकर निरंतर जलते रहे, यानी अपने सत्कर्मों की सुगंध से सबके हृदय में प्रेम और शांति भर दें। हे मेरे कोमल तन, तुम मोम के जैसा स्वयं को अपने आप को गला डालो, अपने आप को ईश्वर के लिए मिठा डालो, अपने आप को ईश्वर के चरणारविंद में अर्पित कर डालो, यानी तुम्हारे अंदर जो अहंकार है उसे नष्ट करके विश्व के लाभ विश्व को लाभ मिल सके, कल्याण हो सके, चारों तरफ उजाला हो जाए, ऐसी भावना अपने अंदर रखो। और आगे कवित्री कहती हैं, हे मेरे आत्मा रूपी दीपक, तुम ज्ञान रूपी प्रकाश मतलब दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि हे मेरे आस्था रूपी दीपक, तुम ज्ञान रूपी प्रकाश इस तरह फैलाओ, तुम अपने अंदर इस तरह का ज्ञान से अपने अंदर इस तरह का ज्ञान फैलाओ जो असीमित हो, यानी सर्वस्व चारों तरफ अपने प्रकाश से उजाला फैलाओ, तुम अपने जीवन के एक एक सांस को इस तरह से दुनिया के विश्व के कल्याण के लिए लगा दो जिससे चारों तरफ तुम्हारे सत्कर्म का सुगंध फैल सके, खुशबू फैल सके। ए मेरे आत्मा रूपी दीपक, तुम आनंदित होकर प्रभु के प्रेम में जलो, यानी एक एक पल प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल बस तुम ईश्वर के लिए जलते रहो, ईश्वर की याद में लगे रहो। इस कविता को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कवित्री तन मन धन से अपने आप को प्रभु के चरणारविंद में न्योछावर कर चुकी हैं, क्योंकि कवित्री ईश्वर की उपासिका हैं और जो ईश्वर को जान लेते हैं उन्हें संसार फीका लगने लगता है, वह हर पल ईश्वर में ही खोया रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। और कवित्री हमेशा यही प्रेरणा देती हैं, यह तभी संभव होता है जब कोई भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रेम में न्योछावर कर देते हैं। ऐसे भक्त अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण की भावना सोचते हैं, उनके अंदर से सारा भेदभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि वह जान लेते हैं कि संसार के सभी प्राणी में एक ही ईश्वर का वास है। उनके हृदय से दुर्गुण की भावनाएं मिट जाता है, ऊंच नीच छल कपट भेदभाव सारा खत्म हो जाता है और सब में वे वही उसी ईश्वर का दीदार करते हैं, सब में वे प्रेम के साथ सबसे वे गले मिलते हैं।
आगे कवित्री कहती हैं, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलब सिर धुन धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझने मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। यहाँ कुछ कठिन वर्ड है जिसको आप नोट कर सकते हैं। शीतल का मतलब है ठंडे स्वभाव के व्यक्ति, कोमल का यहाँ आया है कोमल कमजोर व्यक्ति के लिए, नूतन मतलब नए जो इस रास्ते में नए आए हैं भक्ति के रास्ते में, और विश्व सलभ का मतलब है संसार रूपी पतंगा अर्थात मनुष्य जो स्वयं को दीपक में जलाकर नष्ट कर देता है। सिहर सिहर मतलब धीरे धीरे, और यहाँ पर ज्वालाकन का मतलब है जागरूक होने की प्रेरणा। तो कवित्री कहती हैं, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता है मैं हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कवित्री कहती हैं कि हे आत्मदीप, हे मेरे आत्मा रूपी दीपक, आज संपूर्ण विश्व में नूतन शीतल कोमल उन प्राणियों को कहा है, संपूर्ण विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। यहाँ कवित्री नूतन शीतल कोमल उन प्राणियों के लिए कहा है जिनके मन में ईश्वर भक्ति बिल्कुल नहीं है, वे कमजोर हैं नए हैं, उसके पास आस्था की चिंगारी नहीं है अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना की कमी है, इसलिए सारे नए कोमल प्राणी आज ईश्वर की आस्था की ज्योति ढूंढ रहे हैं, यानी जागरूक होने की प्रेरणा मांग रहे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि हम सभी किसी न किसी के काम आए और संसार में उजियाला फैलाए, यानी कवित्री के आस्था रूपी दीपक से चिनकारी मांग रहे हैं ताकि उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति आस्था के दीपक जल सके, वह भी उनसे प्रेरणा पाकर जागरूक हो सके। कवित्री कह रही हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, संसार के सारे शीतल कोमल नए कमजोर प्राणी तुमसे ज्वाला कर मांग रहे हैं ताकि वे अपने आप को प्रेरित कर सके, जागरूक बना सके और उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति आस्था के दीप जल सके। विश्व सलभ सिर धुन धुन कहता हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जल कवित्री कहती हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, आज सारा संसार सिर धुन कर कहता है मतलब पश्चाताप करते हुए दिखाई देता है, विश्व सलभ सिर धुन कर कहता है मतलब पूरे विश्व के प्राणी जो हैं वह सिर धुन रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। किस लिए पश्चाताप कर रहे हैं? ईश्वर की उसे प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके हृदय में ईश्वर का जो दिव्य ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है, इसके चलते उसका हृदय जो है भक्ति विहीन हो गया है, इसलिए वह सिर धुन कर पश्चाताप कर रहा है कि हाय मेरी कैसी किस्मत है, मैं कैसा बदकिस्मत हूँ कि अपने आप को ईश्वर की याद में जलकर मिटा ना पाया, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जो मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मैं ईश्वर के प्रेम में अपने आप को मिटा नहीं पाया, जला नहीं पाया, यानी जिस तरह पतंगा दीपक में लिपट कर अपने आप को लीन कर देता है, उसी तरह मुझे भी प्रभु प्रेम में अहंकार रहित लीन होना हो जाना चाहिए, अपने आप को ईश्वर के चरणारविंद में न्योछावर कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए विश्व के प्राणी अफसोस कर रहे हैं। इसलिए हे आत्मदीपक, तुम धीरे धीरे जलो, तुम सिहर सिहर कर जलो, धीरे धीरे जलो जलो, ताकि वे लोग जो जीवन के मार्ग पर नए हैं, कोमल हैं, ठंडे हैं, जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम का अभाव है, जिसे ईश्वर का दीदार ना हो पाया है और जिसे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ना मिल पाया है, तुम थोड़ी जागरूकता प्राप्त करो, प्रेरणा लेकर अपने जीवन को जागरूक बना सके,
वह भी ईश्वर की प्राप्ति कर सके। अंतिम पंक्ति में सिहर सिहर मेरे दीपक जल में कवित्री कहना चाहती हैं कि सारी दुनिया में आध्यात्मिक अंधेरा है, भक्ति भाव की कमी महसूस हो रही है। इसको देखकर कवित्री के मन में घोर निराशा हो रहा है। वह यह दुर्दशा देखकर कांप उठती हैं। अतः वह निराशा और अभाव में भी अपने आस्था को बनाए रखना चाहती हैं। वे कहती हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, तुम विश्व में व्याप्त इस आस्थाहीनता का पर कांपते हुए भी जलते रहो, यानी ईश्वर की याद में अहर्निश तुम व्यतीत करते रहो, उसकी याद में तुम हमेशा जलते रहो, आस लगाए रहो, क्योंकि एक न एक दिन प्रभु जरूर मिलेंगे। जब हृदय में आस्था रहता है, जब हृदय के अंदर प्रेम की भावना रहती है, तो ईश्वर जरूर दिखाई देते हैं, ईश्वर की जरूर प्राप्ति होती है। इसलिए कवित्री अपने मन के अंदर हमेशा अपने आत्मा रूपी दीपक को समझा रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं, उसे अनेक तरह का ढाढ़स दिला रही हैं कि तुम अहर्निश अपने मन को, अपने मन में जो तुम्हारे ईश्वर के प्रति जो लगन है, उस लगन में कभी भी कमी नहीं आने देना, अहर्निश अपने प्रेम को जगाए रखना, क्योंकि प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब मन में प्रेम है, प्रेम की भावना रहेगी, तो एक न एक दिन ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। एक एग्जाम्पल देकर हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग माता सबरी को जानते होंगे। रामायण में एक प्रसंग आया है कि माँ सबरी को मातंग ऋषि, उनके गुरु का नाम था मातंग ऋषि। तो मातंग ऋषि, जब सबरी बहुत सेवा करती थी, उनके अंदर इतना स्वच्छ भावना था, इतना निर्मल प्रेम था उसके हृदय में, कि हमेशा ईश्वर के लिए हर पल फूल सजाती थी, पूजा पाठ करती थी, और हमेशा एक एक कर्तव्य का, गुरु के कर्तव्य का पालन करती थी। तब मातंग ऋषि उनसे बोले थे कि एक न एक दिन राम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, और कहा गया है कि गुरु की वाणी कभी भी झूठी नहीं निकलती है। और वही हुआ, सबरी इसी आस में रहती थी कि प्रभु जरूर मेरे से मिलेंगे, मुझे जरूर दर्शन देंगे। वो सबरी सवेरे उठती थी, नहाती थी, फूल तोड़ती थी, रास्ते में फूल बिछाती थी कि प्रभु जरूर मेरे पास आएंगे। और वह कभी भी इस बात से उकताहट नहीं था उसके मन में, ऐसा नहीं था कि आज हम फूल सजा रहे हैं तो प्रभु आज क्यों नहीं आए, तो घबरा जाते हैं, जैसा कि आज के संसारी लोग होते हैं। जरा सा भी अगर उसको कह दिया जाए कि तुम रोज़ साधना करो, तुमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं करते हैं। एक दो दिन, चार दिन साधना अगर कर लेते हैं, तो वह अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत साधना कर लिए। उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है और वह उबने लगता है, फिर वह घबराने लगता है साधना करने से। लेकिन सबरी के भक्ति भावना में कोई भी कमी नहीं आई। यही कारण हुआ कि एक दिन राम उनके दरबार में, झोपड़ी में आते हैं, और माता सबरी को भगवान राम दर्शन देते हैं, और माँ सबरी बड़े ही प्रेम से उसे अपना जूठा बेर खिलाती हैं। लेकिन भगवान यह नहीं जान पाते हैं, भाव में इतने प्रेम, उनके सबरी के प्रेम में इतने विह्वल हो जाते हैं कि उन्हें यह नहीं पता चलता है कि माँ सबरी उसे बेर चख करके खिला रही हैं। और माँ सबरी को भी यह महसूस नहीं होता है कि हम भगवान राम को जूठा बेर खिला रहे हैं। वह प्रेम में दीवानी हो गई है। और ऐसे ही जब प्रेम में कोई दीवाने होते हैं, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे कवित्री कहती हैं, जलते नभ में देख असंख्यक स्नेह हीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। अब कुछ इसमें कठिन वर्ड है जो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नभ का मतलब हुआ तार के लिए प्रयुक्त किया गया है। कवित्री आकाश को संसार मानती हैं, और नित मतलब हमेशा, जल में मन जल से भरा हुआ, संसारिक वैभव से पूर्ण, उर मतलब हृदय दिल, असंख्यक, यहाँ पर असंख्यक शब्द कहा गया है,
जिसकी कोई संख्या नहीं हो, बहुत ज्यादा। और विद्युत बिजली को कहा गया है, और विध्वंस विहस विहस मतलब आनंदित होकर प्रसन्न होकर। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं यहाँ, जलते नभ में देख असंख्यक स्नेह हीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़ जलता विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे मेरे आत्मा रूपी दीपक, आकाश रूपी जग में मतलब संसार में अनगिनत तारे बिना तेल के जलते रहते हैं, यानी बिना भक्ति के जलते रहते हैं, वैसे ही ये सभी संसारी लोग जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तथा जो इस ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, वे सांसारिक वैज्ञानिक उन्नति में व्यस्त हो गए हैं, उन्हें प्रभु के लिए समय नहीं है, बस उन्हें अपने ऐसो आराम की जिंदगी जीना पसंद होता है, आगे वह कुछ सोचना नहीं चाहता है। कवित्री ने जलमय सागर जो है यहाँ प्रयुक्त किया, जलमय सागर का उड़ जलता। तो कवित्री यहाँ कह रही हैं कि जलमय सागर सांसारिकता से भरपूर संसार को कहा गया है। आज लोग धन ऐश्वर्य रहते हुए भी अशांत हैं, क्योंकि उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था का अभाव है। उनका हृदय ईर्ष्या और घृणा की आग में निरंतर जलता रहता है, उनके अंदर विवेक नहीं है, वे विवेक शून्य हो गए हैं। आगे कवित्री कहती हैं कि विद्युत ले घिरता है बादल, मतलब बादल में भी परोपकार की भावना होती है, वे वर्षा करके सागर को भी हरा भरा शीतल करता है, तथा बिजली की चमक से सारा संसार प्रकाशित होता है, जिसे देखकर भी सागर का हृदय जलता है, ऐसा लगता है कि वे भी ईश्वर के लिए तड़पते रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि पृथ्वी आकाश जो भी हैं, धरती बादल सागर समुद्र सबका एक ही आस रहता है, प्रभु मिलन का। कवित्री कहना चाहती हैं कि प्रकृति में जितने भी उपादान हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी धरती पर्वत आकाश, वे ईश्वर से मिलने के लिए अपने भीतर ईश्वर भक्ति की आग जलाए हुए हैं, मतलब उसके अंदर ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन सब में भी छटपटाहट है, इसलिए उस छटपटाहट को किसी भी रूप में वो लोग व्यक्त करते हैं, यानी सभी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक से कहती है कि हे दीपक, तुम हंसते हंसते यानी आनंदित होकर के उत्साहित होकर के जलो, अपने आस्था को जीवित रखो। वह आनंदित होकर भक्ति प्राप्त करना चाहती है, तुम अपने आप को मोम के जैसा गलाकर ईश्वर की प्राप्ति करो, क्योंकि सारा संसार बादल सागर सभी ईश्वर के लिए अपने अपने स्तर से जल रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने को नष्ट करो, क्योंकि बिना अपने आप को जलाए यानी संघर्ष किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि कवित्री जान चुकी हैं कि ईश्वर क्या है, और उसकी प्राप्ति करने के लिए कठोर से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को अपने अहंकार लोभ मोह क्रोध सबको जलाना पड़ता है, और जब सब विकारों से मन निर्मल हो जाता है तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कवित्री हर तरह का उदाहरण देकर कविता के माध्यम से समझाना चाहती हैं कि जीवन के पथ पर अगर ईश्वर का दीदार करना चाहते हो तो मोम की तरह गलकर धूप के जैसे सुगंध फैलाकर और पतंगा के जैसे अपने आप को न्योछावर करके जो है ईश्वर की प्राप्ति करना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए तन मन धन सब कुछ से ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ता है, तभी सच्चा सुख मिल सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जा रहा आप ना लिया मुराला हाथ, अब घर जा रो तासु का जो चले हमारे साथ। यहाँ
कभी कहते हैं कि हमने अपने मन के विकारों को नष्ट कर लिया है तभी मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, उसी तरह अगर कोई मनुष्य मेरे साथ चलना चाहता है, कहने का मतलब कि मेरे जैसा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे भी सारे विकारों को जलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, तभी प्रभु की प्राप्ति हो सकता है। संसार में जितने भी साधु संत महापुरुष हुए हैं, वे सभी अपने आप को सारे विकारों से दूर करके ईश्वर को प्राप्त किए हैं। एक जगह कबीरदास जी लिखे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कहने का अर्थ है कि धन दौलत प्राप्त करके अगर कोई अहंकार के नशे में चूर रहेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ मन से हटाना पड़ता है, दूर करना पड़ता है, मन के अंदर जो भी विकार है उसे नष्ट करना पड़ता है। ईश्वर का जिसे दीदार हो गया है वह इस झूठे सुख से अलग रहता है, वह दुख झूठे दिखावे में नहीं रहता है, वह सच्चाई का जीवन जीता है, अपने अंदर कोई भी दिखावटी नहीं करता है, क्योंकि सच्चा सुख प्रभु प्राप्ति है। जीवन का एक ही लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। मनुष्य के साथ साथ प्रकृति भी ईश्वर के इशारे पर चलता है। हवा बहती है, हम लोग देखते हैं हवा बहती है, फूल खिलते हैं, वर्षा होती है, पेड़ पौधे नए नए फल फूलों से लग जाते हैं, सूर्य चांद सितारे सब समय पर उगते हैं। यह सब क्या है? सब ईश्वर द्वारा बनाया गया है, इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, सब ईश्वर के हाथ का खिलौना है। बस मनुष्य को सत्कर्म करते हुए हर एक सांस ईश्वर की याद में व्यतीत करना चाहिए। सारा संसार को अपना परिवार समझना चाहिए, अपने मन को ऐसा निर्मल बनाकर रखना चाहिए कि कोई भी पराया ना लगे, सभी अपना हो, क्योंकि सबके अंदर एक ही ईश्वर का वास है, तब फिर भेदभाव कैसा। कहने का मतलब इस कविता का उद्देश्य यही है। इस कविता के द्वारा कवित्री समझाना चाहती हैं कि मनुष्य को हमेशा परोपकार की भावना से जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमेशा दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, और हमेशा ऐसा सत्कर्म करना चाहिए कि युगों युगों तक उसका नाम रोशन होता रहे। अपने आप को ईश्वर के चरणारविंद में जब तक नहीं अर्पित करेंगे, अपने अहंकार को जब तक नहीं मिटाएंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह पाठ बच्चे लोगों को इसलिए दिया गया है ताकि बचपन से ही उसे जीवन जीने का राह मिल सके कि जीवन में सत्कर्म क्या है, किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। कोई भी कहानीकार होते हैं, कोई भी कवित्री होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उन लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, मनुष्य को सही रास्ता दिखाना, क्योंकि सही रास्ता जब किसी भी मनुष्य को मिलेगा तभी जीवन का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, और अपने परिवार का भी तभी कल्याण हो सकता है। हम लोग मनुष्य हैं, कहने को तो हम लोग मनुष्य हैं, पर सच्चे रूप में हम लोग मनुष्य तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर मनुष्यता का सारा गुण हो। पशु प्रवृत्ति को हम लोग भूल जाएं, हमारे अंदर जो भी पशु वाली प्रवृत्ति है, हम लोग मनुष्य हैं और पशु है, दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है, बुद्धि है, वह अपने बुद्धि को किताब के माध्यम से, कहानी, कविता, उपन्यास, जितने भी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण है, उसको पढ़ करके हम लोगों के अंदर बहुत तरह के विचार में परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए हमारे देश में भी इतने महान महान संत साधु लोग जो हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख कर यहाँ गए हैं। गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, एक एक पाठ का अध्ययन करना चाहिए, उस पाठ से हमें सीख मिलता है। बड़े बड़े राइटर जो हुए हैं, उन लोगों का एक एक कविता कहानी में क्या रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य की जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि केवल पढ़ाई पढ़ाई करके आगे बढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी रखना
मनुष्य को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन सही ढंग से जिया नहीं जा सकता है, पशु प्रवृत्ति हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महान पुरुष जो हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, वे वेद उपनिषद गीता रामायण यहाँ लिख करके गए हैं और कह कर गए हैं कि एक एक चीज़ को पढ़ो और समझो। केवल किताबी ज्ञान पढ़कर पास कर जाते हैं हम लोग, इससे ही कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन अगर हम लोग जीना चाहते हैं तो हम लोगों के अंदर किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, यह सारा भावना हमें जो है बहुत तरह का, जब हम अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े राइटर का बुक पढ़ते हैं, बड़े अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोगों का जो है आत्मिक विकास होता है। जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारे शरीर में शक्ति आती है, उसी तरह जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी कहानीकार, कवि, नाटककार जो भी होते हैं, अपने कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य तुम जगो और देखो कि किस तरह का जीवन तुम्हें व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि साहित्य जीवन का दर्पण है, दर्पण का मतलब आईना। जिस तरह हम लोग कपड़ा पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, तो हम लोग आईने में देखते हैं चेहरा को कि हमारा चेहरा कैसा लगता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें कमी है। उसी तरह जो है इस कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से मनुष्य को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कहानी और कविता लिख करके जो है कवि, कहानीकार जो भी होते हैं, अपना जो भी उनका अनुभव होता है, वह सारा अनुभव देश दुनिया के कल्याण के लिए लिख कर जाते हैं। उसको हम लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, एक एक रहस्य को समझना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है। एक एक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे सफल होगा। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और जब पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर सुझाव परामर्श आप लोगों को देना है तो आप नीचे लिखे गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और हम नाइन्थ और टेंथ का क्षितिज कृतिका का भी सारा पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसमें से अधिकांश हम क्वेश्चन आंसर बनाए हैं और कुछ जो है अभी हम बना रहे हैं। हमारे पास कुछ समय का भी अभाव रहता है, हम बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ जो भी हमारे पास जानकारी है उसको हम आप लोगों को बांट सकें, दे सकें, और जितना संभव हो सकता है मैं करती हूँ, और आगे हम बहुत प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए समय निकालेंगे। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और घर का काम के साथ साथ मुझे बहुत सारा जिम्मेदारी भी रहता है, फिर भी हम आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करेंगे, आगे सारा क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के लिए हम बनाएंगे। आगे हम फिर मिलेंगे आप लोगों से दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है।